एवरी वन निमी दिस साइड एंड लकी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड तो यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज ए इंट्रोडक्ट्री लेक्चर क्योंकि लेक्चर भी नहीं कहूँगी इंट्रोडक्ट्री सेशन क्योंकि आप लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है क्या एंड लकी सर जिनसे आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो बेसिकली है कौन तो so, स्टार्टिंग करते हैं लकी की लाइफ से तो लकी वन ही वॉज डूइंग ही इंजीनियरिंग तो उसने अपने यू नो फॉर द सेक ऑफ़ ओन कि मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए उसने समराइज़ फॉर्म में हर टॉपिक्स को कवर कर लिया था और उसने कॉम्प्लेक्स और बल्कि बल्कि चीज़ों को बहुत ही सिम्प्लिसिटी में और बहुत ही शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया था उसके बाद उसके दोस्तों ने वो नोट्स उससे मांगने शुरू कर दिए ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और वो लकी से वो डाउट्स पूछते भी थे उसके बाद क्या हुआ कि उसके वो नोट्स पूरे कॉलेज में फ़ेमस हो गए और उसकी फ़ोटो पूरे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड यू वॉन्ट believe, बिलीव didn't accept एक्सेप्ट अ सिंगल पैनी फॉर देट है ना उसने एक भी रुपया नहीं लिया कि उसने बस बोला कि ठीक है जिसको भी हेल्प चाहिए वो ले सकता है तो उसने वो एक फ्री कहते हैं ना कि सोशल कॉज उसने अपनी इंजीनियरिंग फील्ड से ही शुरू कर दिया था उसके बाद लकी ने लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि लकी जो आपके सर हैं उन्होंने यू एग्ज़ाम भी दिया हुआ है यू एग्ज़ाम पता है ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके थ्रू आई आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं और इस एग्ज़ाम को एशिया का भी बहुत टफेस्ट पर एग्ज़ाम कंसिडर किया जाता है ठीक है तो आपके लकी सर ने यू एग्ज़ाम भी दिया हुआ है आपके लकी सर ने बहुत सारे स्टेट पी एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं तो लकी सर सिर्फ़ एक इंजीनियर नहीं है वो एक अच्छे बहुत अच्छे जोग्राफ़िकल नॉलेज रखते हैं वो इंसान भी है उनको इकोनॉमिक की भी बहुत अच्छी नॉलेज है सोसाइटल भी वो बहुत ज़्यादा अवेयर है तो वो इतनी सारी डाइवर्स चीज़ों को ना स्ट्रीम करके एक सिंगल स्ट्रीम करके आप सबके सामने प्रजेंट करते हैं थ्रू हिज ऑल वीडियो लेक्चर्स लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स आप सबको सिक्स टू टेंथ क्लास जो भी राजस्थान स्टेट बोर्ड का कंटेंट है ना वो ए टू जेड मिलेगा हाईलाइट कर रही हूँ ए टू जेड ठीक है लकी ने ऐसा एक भी कंटेंट एक भी बुक ऐसी नहीं छोड़ी जो नहीं उसने कंप्लीट नहीं कराई है उसने ए टू जेड कराया है इवन आई मस्ट से उसने Z प्लस भी कराया Z प्लस यू नो कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसने कराई हैं करंट अफेयर्स को भी वो डालता है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे ठीक है वो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ नॉलेज को इनकल्केट करता है अपनी वीडियोस में ताकि आप लोग रोट लर्निंग ना करो एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस सेट करो अपने माइंड में कि आप लोगों से वो बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए बस ये जो जेड प्लस नॉलेज है ना यही आप लोगों को बाकी बच्चों से डिफ्रेंशिएट करेगी ठीक है बाकी बच्चे क्या है फॉर द सेक ऑफ़ मार्क्स ठीक है वो ताकि हमारे एग्ज़ाम में वी कैन अचीव अ वेरी गुड मार्क्स वो पढ़ते हैं बट लकी की फील्ड पे अगर आप हो ना तो आप एग्ज़ाम में तो अच्छा स्कोर करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा स्कोर करोगे आप बट अल्टीमेट एम क्या है लकी का कि वो आप लोगों को फ्यूचर चैलेंजेस है ना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए वो तैयारी कराता है आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ अभी कुछ दिन पहले ही लकी के पास कॉल आया था फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से एंड दैट स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ठीक है वो भी यूपीएससी की तैयारी करा था और उसने अपना यू you नो know, उसने कॉल किया लकी को थैंक यू बोलने के लिए कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ़ यू आई हैव कम्प्लीटेड एंड क्लियर माई एन डाउट्स ठीक है तो इतनी हाई लेवल का स्टूडेंट जो यू की तैयारी कर रहा है वो बेसिक एन को इतना यू नो प्रेफरेंस देता है तो आप तो बहुत लकी हैं कि आप लोगों को अभी से बेसिक एनसीआरटीज़ समझ में आ रही है है ना वो बच्चा अब कर रहा है आप अब ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप बहुत एडवांस है उस बात में अगर कहा जाए तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लकी जो भी कंटेंट आप सबके सामने प्रजेंट करता है उसे रिलीजियसली फॉलो करो कहते हैं कि एक बुक अगर हम सौ बार पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा सक्सेस आउटपुट हमें देता है एज़ कंपेयर टू अगर हम सौ डिफ़रेंट बुक्स पढ़ते हैं तो आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कनेक्शन समझ आएगा ज्योग्राफ़ी का हिस्ट्री से कनेक्शन समझ आएगा फ्रेंड्स ये सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स ना नाम के हैं कि वो आर्ट्स की है वो साइंस की है बट बिलीव मी एक यूनिटी होती है यू नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट पता है ना ऐसे ही सब्जेक्ट्स में भी एक यूनिटी होती है हिस्ट्री आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है ज्योग्राफी आपकी कहीं ना कहीं साइंस से भी रिलेटेड होती है ठीक है सोसाइटी से भी रिलेटेड होती है और ये सारी चीज़ें इकोनॉमी से कहीं ना कहीं रिलेट होती है तो ये सारा काम कौन प्रेजेंट कर रहा है आप सबके सामने लकी सर लकी सारी चीज़ों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यू you नो know, कि ये बहुत ही बहुत ही डिफरेंट बात मैं बोल रही हूँ बट मेरा एम था कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि अगर आप लोग लकी एजुकेशन के साथ जुड़े हैं ना तो यानी कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब यू डिड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स पीपल और लकी का एक मैसेज हमेशा रहता है वो मुझे भी बहुत बार बोलता है कि जैसे कि कोई भी नॉलेज शेयरिंग ना वन वे नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर लकी ने आप लोगों को कुछ बताया है ना तो वो आप तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस एजुकेशन को आप आगे प्रमोट करो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि लकी ने कुछ एक करंट अफेयर्स आप लोगों को बता दिया कि आज का सोसाइटी में कोई स्कीम बनी है गवर्नमेंट ने ये स्कीम इन लोगों के लिए बनाई है ठीक है लकी ने ये बता दिया तो ये अब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे घर में शेयर करें क्योंकि अगर घर में शेयर करेंगे तो क्या पता आस पास में कोई ऐसा हो जिसे उस स्कीम की बहुत ज़रूरत हो तो डायरेक्टली आप हेल्प करेंगे उस बंदे की बट इनडायरेक्टली लकी ने हेल्प की है ठीक है तो एजुकेशन वन वे नहीं होना चाहिए एजुकेशन शुड बी अ वेरी डाइवर्स इन नेचर तो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल अपनी फैमिली सबको लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि लकी सर हमें इतनी डाइवर्स चीज़ें पढ़ाते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और फ्रेंड्स एक और बात बोलूँगी कि लकी एजुकेशन पे आप लोगों को राजस्थान बोर्ड की तो सारी कंटेंट मिल ही रहे हैं वो सी बी एस सी को भी अब रनिंग फ़ेज़ में ला रहे हैं है ना जो सी बी एस सी के कंटेंट्स है ना वो उसको डेवलपिंग फ़ेज़ में ला रहा है और आप आने वाले कुछ टाइम में आप देखोगे कि सी बी एस सी कंटेंट भी वो पूरा करा देगा तो सी बी एस ई और स्टेट बोर्ड दोनों को वो साथ लेके चल रहा है तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम में तो सक्सेस देगा ही देगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको एग्ज़ाम में सक्सेस देगा अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो ठीक है अच्छे से पढ़ते हैं कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पुट कीजिए लकी कि हंड्रेड एंड टेन परसेंट कोशिश करेगा कि आपका डाउट क्लियर कर सके ठीक है टेलीग्राम पे वो अपने कंटेंट्स भेजता है पीडीएफ फॉर्मेट में तो टेलीग्राम से एक्सेस कीजिए उस पीडीएफ को ठीक है और ये जो लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना ये टेम्प्रेरी नहीं है लकी इसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहता है और वो चाहता है कि लोग बच्चों में ना आप सब बच्चों में जो फ्यूचर जनरेशन है वो तैयार हो सके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी सबको चाहिए एंड लकी आप लोगों को वो डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है सो फ्रेंड्स इट्स अ सम इट्स अ यू नो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि मैं एज अ फ्रेंड यही चाहती हूँ कि लकी बहुत जेन्यून है वो बहुत सिंपल है ठीक है और वो लिटरली बहुत कुछ करना चाहता है सोसाइटी के लिए तो जस्ट हेल्प हिम और हेल्प कैसे करोगे उसके साथ बने रहकर ठीक है उसके साथ कंटिन्यूशन में टॉक करके और उसकी जो नॉलेज है ना उसका जो डाइवर्स सी है ठीक है सी ऑफ नॉलेज है जो लकी की उसको पूरी सोसाइटी में स्प्रेड करा कर मतलब कि तो आई थिंक कभी नहीं बोलता कि शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल वो कभी प्रमोट नहीं करता बट एज अ फ्रेंड मैं कह रही हूँ कि डोंट फोकैट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिज चैनल ठीक है जस्ट स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड बाय बाय